हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. दिस पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गौर सिटी सेंटर के तीन स्टूडियो अपार्टमेंट्स. तीनों ही स्टूडियो के अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट अलग अलग यूजेज को रखकर दी गई है. सो जब आप इस प्रॉपर्टी में पोजीशन लेंगे तो आपको ये बेयरशेल यूनिट का भी ऑप्शन देते हैं और इसके साथ साथ फुली फर्निश्ड का भी ऑप्शन देते हैं. कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सो यहाँ पर लोन अवेलेबल है 50%. पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है. 50% देके आप इमीडिएट पोजीशन ले सकते हैं. रिमेनिंग जो 50% है उसको आपको पे करना है इन द नेक्स्ट 36 मंथ्स. सो 1.25% की आपकी मंथली ईएमआई बनेगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी दैट वुड बी ऑफ 5%. जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं इसके ऊपर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना है. ये इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज हैं. अगेन ये मार्केटिंग ऑफर्स हैं, तो डिपेंड करता है आप जब इस प्रॉपर्टी को विजिट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या पेमेंट प्लान चल रहे हैं. टुडे वी आर टेकिंग यू टू समवेयर स्पेशल इन नोएडा एक्सटेंशन. और जिस कैटेगरी का आप प्रोजेक्ट देखने वाले हैं ये बहुत ही यूनिक है, और अगर देखा जाए तो नियर फ्यूचर में भी इसका कोई आसपास कंपेटिटर नहीं है. As you know, Noida Extension is really known for its affordable housing segment. तो residential में यहाँ पर under construction और ready to move in में बहुत सारे options हैं. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो work from home कर रहे थे, जो working professionals हैं, but now when things are back to normal, they need a proper office setup. So उसके लिए अगर office setup के लिए आप यहाँ पर जाते हैं तो आपके पास जो भी options हैं वो या तो under construction है, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर उसमें वेट पीरियड बहुत ज़्यादा है और रिलायबल डेवलपर्स नहीं है. बट अगर आप एक रिलायबल डेवलपर के साथ रेडी टू मूव इन का ऑप्शन चाहते हैं जहां पर आपको पेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. गौर चौक जो नोएडा एक्सटेंशन का एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल वहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. तो इसको दोनों तरफ से आप एक्सेस कर सकते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से भी या फिर NH24 की तरफ से भी. तो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर जितने भी डाउनटाउन होते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. जिसमें अगर मान लीजिए सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल है और उसका जो रेसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और वो ट्रैवल टाइम बचाना चाहता है, सो इन दैट केस दे ऑप्ट फॉर दिस हाउसिंग ऑप्शन, जिसके अंदर एक कॉर्नर जो है वो उनका प्राइवेट बन जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेडिंग डाल के अपना जो प्राइवेट स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और मॉर्निंग आवर्स में जो वीक वर्किंग आवर्स होते हैं उसके अंदर अपना जो फ्रंट का पोर्शन है उसको एज अ ऑफिस स्पेस की तरह यूज़ कर सकें. इसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, स्टूडियो की लीजिंग करती है. सो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज के टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं, जैसे ओयो है, जिंजर है, और इसके बाद लेमन ट्री है. सो ये जो सारी कंपनीज हैं ये आज के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इस स्पेस को यूज़ करती हैं. सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस, ईदर यू कैन यूज़ इट पर्सनली और यू कैन गिव इट टू दी गॉड्स, दे विल हेल्प यू इन लीजिंग. के हैं तीन सैंपल्स, तीनों के अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द यूजेज है. तीनों का जो एरिया है दिस इज़ मोर और लेस 550 स्क्वायर फीट. डायमेंशंस इसके अंदर वेरी करेगी, डिपेंड करता है फ्लोर और फेसिंग के ऊपर. तो दो फेसिंग आती है यहाँ पे, एक आती है मेन रोड फेसिंग जहाँ से आपको पूरा क्लियर एंड ओपन व्यू मिलता है, दूसरी फेसिंग है टूवर्ड्स द मल्टी लेवल कार पार्किंग जो टूवर्ड्स 7th Avenue की तरफ है. तो दिस इज़ सैम्पल नंबर वन. इसके अंदर डबल बेड के साथ इस स्टूडियो को रिप्रेजेंट किया गया है. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप जब इसमें पोजीशन लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें फर्नीचर प्लेसमेंट करवा सकते हैं. विल शो यू ऑल द सैंपल्स. सो दिस इज सैंपल नंबर वन. तीनों ही सैंपल्स के अंदर एक कॉमन चीज़ है विच इज़ द कॉमन वॉशरूम. दिस इज़ द हैंड बेसिन एरिया. दरवाजे के जस्ट पीछे की तरफ है WC वाला एरिया, और ये वाला जो सेक्शन रहेगा दिस इज फॉर शार. सो दिस इज़ द बैल्कनी एरिया. यहाँ पर दो फेसिंग आपको मिलती है. दिस इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द लिंक रोड जो नोएडा ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है, तो यहाँ से आपको परमानेंट ओपन ग्रीन व्यू मिलेगा. दिस इज़ द बैल्कनी एरिया. बैल्कनी एरिया तीनों के अंदर मोर लेस सेम है, जिसमें आप आउटडोर फर्नीचर लगा के इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो. अभी आप तीन सैम्पल्स देखेंगे, तीनों के अंदर सिर्फ फर्नीचर प्लेसमेंट अलग अलग है. दिस इज़ सैम्पल नंबर वन, जिसके अंदर इस वाले एरिया में बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में बीच में एक पार्टीशन है, यहाँ पर इन्होंने डबल बेड को प्लेस किया हुआ है. इसके बाद अगर आप इस स्पेस को एज ऑफिस की तरह भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप एक स्टडी या ऑफिस टेबल लगा सकते हैं. राइट हैंड साइड वाले एरिया को आप पैंट्री यूनिट की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें एक फ्रिज आ सकता है या फिर एक वेटिंग
लॉन्च के लिए अगर आप चाहें तो एक सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन आप पैंट्री के लिए या किचन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ क्लोज़ेट एरिया। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सैम्पल नंबर टू। सैम्पल नंबर टू के अंदर जो कॉमन चीज़ है विच इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम एज इट इज़ है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चेंजेस इसके अंदर ऑफिस स्पेस को ज़्यादा महत्व दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रोफेशनल हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर बैठना चाहती है, तो इस केस में यहाँ पर ये वाला तो हो गया वेटिंग एरिया या फिर रिसेप्शन एरिया की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चार लोगों की टीम बैठ सकती है। पीछे की तरफ ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको स्टोर कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इस वाले सैम्पल के अंदर सिंगल बेड को प्लेस किया गया है। अगर आप बेड की जगह यहाँ पर एक डायरेक्टर केबिन बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। सो यहाँ पर बस आपको एग्जांपल दिए गए हैं आप इस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज सैम्पल नंबर थ्री। सैम्पल नंबर थ्री के अंदर भी एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड पे एक वॉशरूम एरिया है, राइट हैंड साइड पे किचन या पैंट्री सेक्शन और दरवाजे के जस्ट पीछे आ जाता है क्लोजेट एरिया। इस वाले सैम्पल को इन्होंने प्रॉपर्ली एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है एक लॉन्ज एरिया, जिसमें आप अगर चाहें तो टीवी की प्लेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेड पे लेट के टीवी देखना चाहते हैं तो इन्होंने वहाँ पर कर। सो आपके पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो इसको बेयर शेल भी ले सकते हैं या एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं वैसा इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सो दोनों तीनों ऑप्शंस कंपनी आपको यहाँ पर दे रही है। इसके लिए अब हम आगे बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। So that's it for the day guys. I hope you enjoyed this video. This was Gaur City Center at Noida Extension. So if you need more information regarding the project and the payment plan and the other offers that comes with this property, then you can give us a call at the number mentioned below. Our team will help you in explaining the overall process and how you can proceed with this unit. Thank you.